बड़ी बड़ी झाड़ियों को चीरते हुए मैं और ममता पहुंच रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते हैं अगर हो पाएगा तो कॉलेज का टूर ब्लॉग भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए। हम लोग कॉलेज पहुंच गए हैं, बस कॉलेज के अंदर अभी एंटर करना है। आज एग्ज़ाम चल रहा है शायद, इसीलिए वहाँ का जो मेन गेट है वो बंद है। तो चलिए देखते हैं, इधर से एक छोटा सा रास्ता है, वहीं से हम लोग एंटर करेंगे कॉलेज। तो ये है वो गेट, ये हमारा कॉलेज जो कि अब काफ़ी बदल चुका है, कलर वगैरह हो गया और पहले से बेहतर लग रहा है अब कॉलेज। ये देखें, ये है हमारा गर्ल्स कॉमन रूम। यहाँ पे सब कुछ जो है, हम लोग बैठे रहते थे यहाँ पे क्लास में जब भी आते थे। उधर भी अभी आपको दिखाऊंगी मैं, इधर है काउंटर हम लोग का। ये है आरएसमल कॉलेज जो कि गोविंदपुर में है, और मेरी इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई यहीं से हुई है। तो कोई हो इस कॉलेज से या फिर पढ़ाई कर रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। काम के लिए आए हैं वो है, हम लोग का जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसी का फॉर्म फिलअप किए थे। तो अभी प्रिंट आउट जमा करने के लिए हम लोग आ गए हैं एग्जामिनेशन सेक्शन, यहाँ पर हम लोग इसको जमा करेंगे। मैंने तो वहाँ पर सर को दे दिया है, अब ममता भी साइन कर रही है और इसका फ़ोटो भी क्लिक करना है। तुम्हारे पास इसका PDF नहीं है? नहीं है, अच्छा ठीक है, फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, उसका सबमिट करेंगे और कॉलेज का टूर मैं आपको कराऊंगी। एग्ज़ाम चल रहा है इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा सन्नाटा है, नहीं तो ऐसे बच्चे इधर उधर आपको घूमते हुए दिख जाते हैं। और हम लोग का जो बिल्डिंग है यहाँ पे, इस बिल्डिंग में हम लोग का क्लास होता था। और मैंने आपको दिखाया इधर ये साइड में हम लोग का गर्ल्स कॉमन रूम है, और चलिए देखते हैं कि उधर चलते हैं अभी। और इधर मेरी, और ये है सर्वा, इसका एग्ज़ाम चल रहा है। अच्छा, वहाँ के मिलना हो गया ना। अच्छा, एक्सटर्नल एग्जाम चल रहा है? ना ना, सेम फाइल, मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल? ये इंटरनल। इंटरनल 3 घंटे का? अरे बहुत मजा आ रहा है मुझे एग्जाम देने में। जब तैयारी अच्छा हो ना तो एग्जाम देने में अच्छा ही लगता है। यस, आज बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं और गजब कोइंसिडेंस है कि सेम टाइम पे ये बाहर निकली। सेम टाइम, सेम कॉलेज। तब से भी पता है शादी में मिले थे, नेहा के शादी में। हाँ हाँ हाँ। और आज मिलना हो पाया है तो अभी ब्रेक लेके आए। अच्छा, बाय दीदी। बाय बाय दीदी। बाय बाय। चलो आज इससे भी मिलना हो गया, अब देखते हैं कि उधर हम लोग का जो लाइब्रेरी है उधर तरफ चलते हैं, देख लेते हैं अपना कॉलेज। इतने सालों के बाद जब आई हूँ, पहले 12th तक तो जो है वो क्लासेस होता नहीं था, और उसके बाद ग्रेजुएशन में क्लासेस स्टार्ट हो गया था हम लोग का। और ये है कॉलेज, काफ़ी बड़ा है। ए, काली मंदिर जाएगी? हाँ हाँ, चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज का टूर अच्छे से करा लेती हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे। लाइब्रेरी एकदम इधर कोने में है, शांत जगह है। Something is better than nothing. हाँ। अभी पेड़ दिख रहा है ना, इसी पेड़ के नीचे हम लोग जो है बहुत सारे फोटोज भी खिंचवाते थे आकर के। और यहाँ पे ये जो सीढ़ी है, शायद धूप के कारण उतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं सामने जाके दिखाती हूँ। अभी तो यहाँ पे ऐसे ताला लगा हुआ है, नहीं तो हम लोग ऐसे और फोटोज लेते थे, खूब मस्ती करते थे। और ये देखो लाइब्रेरी हम लोग का इधर बाहर से ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे एक बहुत ही खुला मैदान है। और इधर एक काली मंदिर है जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, क्या करूँ, अब टाइम ही नहीं मिल पाता है। होता है ना, ममता बोलती चलो इस पेड़ के पास जाके खिंचवाते हैं, इसका पेड़ से ना बहुत ही ज़्यादा लगाव है और होना भी चाहिए। तो पहले भी, और ये चीज़ ना अभी तक बदला नहीं है, जब भी बोलती चलो फोटो खिंचवाते हैं तो बोलती कि ना चलो ना ये इस पेड़ के नीचे जाके खिंचवाएंगे, अच्छा फोटो आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे देखो, कुछ गंदा वंदा नहीं ना है, क्योंकि कुत्ता सब इधर ही घूमता फिरता है ना, देख लेना अच्छे से। लेकिन अच्छा लगता है कि जब कुछ चीज़ें नहीं बदलती है तो पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाती है। और मैं ना झूमा और शारदा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, काश वो लोग भी यहाँ पे आते तो हम सबको मिलना हो जाता। झूमा और शारदा की जो है शादी हो चुकी है, शारदा से तो उसकी शादी में मिलना हुआ और झूमा से भी उसकी शादी के टाइम पे ही मिलना हुआ, उसके बाद हम लोग मिल ही नहीं पाए हैं।
बहुत टाइम हो गया है। ममता जो है चूँकि सामने में है इसका घर, तो हम लोग कभी कभार मिल लेते हैं, और इस बार जो है जब बहुत टाइम बाद मिले हैं, अब ममता यहाँ पे पोज दे के खड़ी है कि फ़ोटो को खिंचवाया जाए। तो चलिए इसका फ़ोटो खींच लेते हैं और हम लोग भी कुछ कुछ सेल्फीज ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है, कॉलेज आने का मौका मिला है इसलिए। बहुत कुछ बदल चुका है, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा लगा हुआ नहीं था, अभी यहाँ पे देखिए ये सब लगा हुआ है, नहीं तो सब जो है वहीं पे जा करके वो जो है वहाँ पे जा करके बैठते थे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ गमला भी है, हरा हरा हरियाली छाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ना ये खुला एरिया है ना उधर से, तो गाय बैल बकरी आ जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये एक अच्छा उपाय है कि इधर हरियाली है, नहीं तो गाय बैल बकरी सब खा जाते हैं। और यहाँ पे एक काउंटर है, आर्ट्स का काउंटर, तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग के कॉलेज में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी होते रहता है। यहाँ पे है डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और इधर भी कुछ कुछ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ ये है मेन गेट, यहीं से एंट्री होती है, क्योंकि आज एग्ज़ाम चल रहा है, पता नहीं इधर बंद है। और ये इधर है काउंटर सब, ये देखिए, और उधर भी काफ़ी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन चुका है, पता नहीं कब क्लासेस शुरू होंगी उधर। इतना दिन के बाद कॉलेज आएगा, सब कुछ बदला बदला से लग रहा है ना, सब बदल चुका है। और रास्ता किधर है उधर जाने का, मंदिर जाने का लिखा हुआ है पता नहीं इसमें। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पे है, सारा कुछ है, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि क्या क्या है। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ये सारा चीज़ यहाँ पे काम चल ही रहा था, अभी भी काम चल ही रहा है, लेकिन बहुत कुछ अभी बन गया है इधर। इधर पूरा झाड़ी है, और इधर है ना एक काली मंदिर है, लेकिन रास्ता हम लोग को मिल नहीं रहा है कि किधर से जाएं, कि वहाँ से है, कहाँ से, पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे, चलो देखते हैं। इधर इतना झाड़ी है ना कि कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पे पास में ही एक काली मंदिर है, बहुत बड़ा काली माँ का जो है प्रतिमा है, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा, इतना झाड़ी है, कैसे जाएं हम लोग, वही तरफ से घूम रहे इधर उधर कि किधर से रास्ता मिल जाए। नहीं नहीं इतना झाड़ी में कैसे जाएं, वही तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है, किधर से। तो गाइस हम लोग अपने ही कॉलेज में आकर के गुम हो गए, हमें काली मंदिर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इतना झाड़ी हो गया, दूसरा तरफ रास्ता बनाए क्या, किससे पूछे। लेकिन कुछ दिन पहले आई थी, बाहर गए क्या, बाहर से उधर बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, इधर कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा है, देख लीजिए पूरा झाड़ी वाड़ी है, किसी दिख नहीं रहा है, लगता है किसी से हमें पूछना पड़ेगा कि किधर से जा रहे हैं, क्योंकि इधर ही जो है इधर से रास्ता था पहले, इधर तो सारा एकदम झाड़ी से भर गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे, किसी से पूछना ही बेहतर होगा। रास्ता दिखा है मंदिर जाने के लिए, रास्ता है ना, चलो तो देखिए रास्ता कहाँ कहाँ से हम लोग को रास्ता ढूंढना पड़ रहा है मंदिर जाने के लिए। यहाँ पे कुआं ऐसा लग रहा है, पता है कि छोटे बच्चों का जो मूवी रहता है वैसे लग रहा है, जंगलों से हो। और इन बड़ी बड़ी झाड़ियों को चीरते हुए मैं और ममता पहुँच रहे हैं मंदिर, आज माँ के दर्शन करके ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों के बाद आना हुआ है, अब बिना दर्शन किए जाएँ ऐसा हो नहीं सकता। और देखिए कैसा रास्ता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इधर रास्ता है, बड़ी मुश्किल से हम लोग इधर आ गए हैं, किधर है रे, उधर है ना, चलो तो फिर चलते हैं। यहाँ पे पूजा हो रही है अभी, तो ये आवाज़ आ रहा है, माँ काली जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे प्रणाम करने के लिए, तो आप सभी प्रणाम कर लीजिए, और अगर आप लोग यही आसपास से कहीं हो जैसे कि गोविंदपुर धनबाद से, तो आप लोग आ सकते हो, ये गोविंदपुर रतनपुर में जो है मंदिर है, दर्शन कर सकते हो, शनिवार मंगलवार कैसे पूजा होती है, और आप किसी भी दिन आके जो है दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और ये मंदिर जो है बन ही रहा है, बहुत सालों से देख रही हूँ कि ऐसा ही, अभी पूरी तरह से बना नहीं है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना तो मंदिर ऐसे ही था, और यहाँ पे सब दर्शन कर लिए प्रणाम करने के बाद, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, हम लोग को रास्ता पता ही नहीं था, और इधर से देखिए इतना बड़ा रास्ता है। चलो अच्छा आज दो दो काम हो गया, कॉलेज में प्रिंट आउट भी जमा कर दिए, और माँ काली जी का दर्शन भी हो गया।
अब चलो देखते हैं कि ऑटो मिलेगा कि नहीं जल्दी। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, ऐसे तो मैं सोचे थे कि चाय पीऊँगी लेकिन ममता चाय पीती नहीं है, तो मैंने सोचा कि अकेले चाय पीने से अच्छा है कि चलते हैं घर। और यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, फास्ट फूड वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पे खलसा वजह से मुझे यहाँ का ना छोला भटूरा बहुत ज़्यादा पसंद है। और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो आप लोग आ सकते हो, यहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है। ममता तो चली गई अपने घर और मैं आई हूँ अपनी मासी के घर परी से मिलने के लिए। और मासी से मासी का आए हैं प्रश्न हुआ है, और परी अभी गुस्सा गई है, इसको पतंग उड़ाना था लेकिन उसी टाइम पे हम लोग कोई इसका बात नहीं माने, इसलिए अभी पूरा गुस्सा गई है, अभी पानी से खेल रही है। और परी जरा इधर दिखाओ अपना फेस, नहीं दिखाएगी तो फिर ब्लॉग में फिर कैसे आएगा तुम्हारा फेस। इधर 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 ऑटो से मैं उतर के अभी मैं जा रही हूँ घर। मैंने पापा को बहुत बार कॉल भी किया, तो शायद हो सकता है कि पापा का फ़ोन शायद साइलेंट होगा या फिर फ़ोन कहीं पे रख दिए होंगे, इसलिए उनको सुनाई नहीं दिया होगा। इसलिए अभी मैं जा रही हूँ पैदल, 1 किलोमीटर का रास्ता है ऑटो, क्योंकि गांव तक नहीं जाती है ना इसीलिए। और वहीं से कॉलेज से आने के बाद मैं बाज़ार में ही जो है मासी का घर है, तो उनसे भी मिल के अभी मैं आ रही हूँ घर। देखते हैं, यहाँ से ना पैदल चलना पड़ता है इसीलिए जो है मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मैं घर आ गई हूँ और हम लोग के आंगन में ना बहुत सारा फूल का पौधा है, मैं आपको दिखा दी, बहुत सारा फूल भी खिला है। ये सारा बीज हम लोग डाले थे ना, तो वही सब अभी इतना बड़ा हो गया, गमला और है ही नहीं तो किस में लगाए थे, इसलिए इसी गमला में रखा हुआ है। और ये देखिए रोज़ इधर खिला है, और भी इस बार ना फूल सब जो पुराना पौधा है ना उसमें देखिए कि एकदम बेजान सा लग रहा है, सब खिल ही नहीं रहा है फूल। और ये गुलदाउदी है, ये गेंदा है, इस बार भी कुछ कुछ पौधा हम लोग खरीद के लाए थे, जैसे कि इधर है गुलाब सब, ये वाला भी इधर है, और बाकी सब पुराना है। और इसमें गेंदा का फूल खिला है, और इधर भी कुछ कुछ है, इधर हम लोग डाली कटिंग करके लगाए हैं, गुड़हल है, रोज़ है, और ये देखिए इसमें खिल रहा है फूल। ये सब मैं कल लगाई थी, और इसमें नए नए पत्ते भी आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि इसमें भी आप देख रहे हो, इतना सारा फूल का पौधा सब है। और अब मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ और लंच करती हूँ, मम्मी और दीदी तो लंच कर ली है, बस मैं ही बची हूँ सिर्फ। तो फ्रेश होके अभी मैं लंच करने बैठ गई हूँ। मासी के घर में भी मैंने लंच किया था, मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा ही दीजिए क्योंकि घर में आज बनाए बथुआ साग माड़ वाला, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा लंच किया। और अभी मैं घर में अभी लंच करने के लिए बैठी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे घर में लंच में क्या बना है। उनके घर में लंच की थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चावल लिया है, ये बंधा गोभी का भुंजिया है, और ये आलू चोखा, और इधर है बथुआ साग माड़ वाला, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि खाना है लेकिन बथुआ साग इधर मिलता ही नहीं है, कल आया था। तो इसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ढेकी, और ढेकी से चावल कूटा जाता है, और मम्मी अभी यहाँ पे चावल कूट रही है, ये देखिए इसके अंदर में चावल है, और इसको बार बार ऐसे कूट कूट करके इस तरह से पाउडर बनाया जाता है, ये चावल का आटा है। अभी इतना सारा और भी चावल कूटना है, आज हम लोग के घर में पीठा बनेगा अरसा। लाइट चली गई है और दी बना रही है यहाँ पे गैस पे अरसा पीठा, और इधर मैं आटा भी गूंद के रखी हूँ, बस दीदी जैसे ही बना लेंगे उसके बाद मैं भी रोटी बनाना शुरू कर दूंगी। तो अभी क्या फूलगोभी भूज दो या फिर पास्ता खाएगी? नहीं पास्ता नहीं। अच्छा तो फूलगोभी भूंजिए अभी हम लोग खाएंगे, और देखिए कितना अच्छा अच्छा दीदी बना रही है अरसा, दी ये सब चीज़ में माहिर है, बहुत ही अच्छा बनाती है। तो आज दोस्त बनेगा क्या? नहीं ना, नहीं। तो देखिए कितना अच्छा अरसा बना रही है, ये है अरसा, यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और दी बना रही है। अभी लाइट था ना तो हम लोग वहीं पे इंडक्शन में बना रहे थे लेकिन लाइट चली गई, तो अभी हम लोग को सारा सामान लेके आना पड़ा यहाँ पे गैस पे, तो बना लो तुम भी, और उसके बाद रोटी बना के और भुजिया भी बना लूँगी, ठीक है। और अभी यहाँ पे ना मीशो का मालिश हो रहा है, वो भी वीडियो देख देख के, अभी अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं, पूरा मज़ा लेके अभी मालिश हो रहा है उसका। तो रोटी बनाने के बाद अभी मैं यहाँ पे फूलगोभी और आलू भुंजिया बना रही हूँ, और मम्मी अभी घटरा बना रही है, जो थोड़ा सा चावल का आटा बच गया था ना वही मम्मी अभी घटरा बना रही है, ये देखिए। और बस ये आखिरी इतना सारा पिठा बना है अरसा, तो आ जाइए आप सब मेरे घर अरसा खाना है तो। तो हम सब अरसा भी खा लिए, घटरा भी खा, अभी सोने का टाइम आ गया है, इधर है हम लोग का बिछौना। तो गाइज आज का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।